और ये जापानी खाना खिलाएंगे हमको। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मौली साहब है ना, ये छोटा, ये मुझे बहुत टाइट आदमी लग रहा है। बाय बाय, शाबाश, शाबाश। अभी से बाय कर लो, जाएंगे। उर्दू नहीं बोल सकती हैं, उर्दू में नातें याद कर ली हैं लोगों ने, इनके टीचरों ने याद कराई हैं। अच्छा, ये हिरन के कबाब हैं। ओहो हो, और ये शिकार किया हुआ, खुद का शिकार किया हुआ हिरन के कबाब। अच्छा, ये गोश्त अभी बनाएंगे जी? हमने बोला गड़गड़ खाएंगे आपको ना। ये गुड़िया बड़ी प्यारी है। ये तिनको से कौन खाता है? चाइनीज खाते हैं आप लोग? भी खाते हो तिनको से? तो आप लोग इससे खा लेते हो? हम से खाते हैं। इसी से खाते हो? इसी से खाते हैं। कमाल है, हमें तो पूरा बेलचे जितना चम्मच चाहिए भाई, तभी निवाला बनता है। इसी तरह खाते हैं, एक एक कदाना। इससे स्पीड तो, इससे ज्यादा हमारी मुर्गियों की स्पीड है। चौथी गुड़िया है, गुड़िया। आपकी बेटी है? चौथी, चौथा नंबर। इससे पहले तीन बेटे? दो बेटी एक बेटा। सही, माशाल्लाह। चलो भाई, माल तैयार हो रहा है। माल भाई, आप लोग तो खाना शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। मैं जरा ये मंजर देख रहा हूँ असल में। पहले वैसे तो हमने होटलों में देखा है चूल्हे पे चीज तैयार होके आ रही होती, लेकिन इनके घरों में भी ये रिवाज है। मुफ्ती आजम जापान, मुफ्ती अब्दुल रहीम, ये बच्चा जो है मेड इन जापान। मुफ्ती आजम, ओइशी ओइशी, वेरी गुड ओइशी। ये हैं जापानीज बच्चे, प्यारे प्यारे। اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عيل لامه. ये नजर से बचने की दुआ है। सफर करके टोक्यो से कई घंटे की ड्राइव करके हम आए हैं यहाँ। जो हमारे जापानी दोस्त हैं, इनके घर आए हैं, इन्होंने दावत रखी है। ये हमारे जापानी दोस्त हैं, इनके घर हम आए हैं। ये घर भी बाहर से देख लें आप, बड़े प्यारे प्यारे इनके घर होते हैं लकड़ी के। और जे 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 सर्दी बहुत हो रही है, चे कुछ पहना हुआ भी नहीं है, जल्दी से अंदर घर में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं भाई इनका घर है, दावत रखी है, और ये जापानी खाना खिलाएंगे हमको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल्लाह। फातिमा, वही प्यारी प्यारी बच्ची, प्यारी प्यारी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची, प्याली पाली बच्ची, बच्चे बहुत पाले पाले होते हैं। वाह 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 वाह, ये देखो सबसे प्यारी बच्ची है, गुड़िया बिल्कुल। देखो मुसलमान जापानी है ना, इसलिए घर में बच्चे हैं माशाल्लाह। कैसे हैं मेरे बेटो? हेलो 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 भाई, सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। बस अभी तो कमरे में आ गए ना, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। क्या नाम है? माशाल्लाह, टोल नमाय वानानी। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, इसको भी दिखाओ ना। अब्दुल करीम, ये आपके माशाल्लाह जी, जी सारे चार मेरे हैं, चार आपके पांच, और पांच है जी, आपके पांच है जी। टोटल इस घर में नौ बच्चे हैं माशाल्लाह। वेरी गुड, इसकी भी है, इसकी भी तो बनाओ ना, भाई के चार है ना। लो जी साहब, इसकी भी पेट चार है। भाई हैं, भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक ही घर में अलग अलग घर में रहते हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब इसके भी चार बच्चे, तेरह बच्चे टोटल माशाल्लाह। इन तीन भाइयों के तेरह बच्चे हैं, बेटे बेटियों मिला के, और अभी ये यंग है बिल्कुल माशाल्लाह। तो ये इस्लाम की बरकत है, देखो मोहब्बतें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, खानदान है, तो ये बरकत है इस्लाम की, जबरदस्त। कलमा आता है नमाई आना नहीं, अल्लाह सबको इस्लाम पर कायम दायम रखे। इनको उर्दू नहीं आती, मदरसे जा रहे हैं, सीखेंगे। वो सब खाने से पहले उर्दू से रिश्ता कायम रखना है, खाने से पहले मजा आ जाएगा आपको, खाने के बाद खाने की नहीं, पहले पहले पहले। अब मेरी बात बाजूकात मान लिया करें, मैं अपने हिसाब से एक तो सी मैं ले सकता हूँ।
हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, कुछ आ जाओ बेटा। लेकिन की दादी जो है ना वो बहुत खुश हो रही है, खुश हो रही है इनकी दादी। जी जी हमारी वालदा जो है ना, तो आ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ जरूर ले। फिर आप तीनों भाई बैठ जाना, हम तस्वीर खींचेंगे आपके अपने आपके ऊपर। फातिमा और इसका बच्चे का नाम आसमा। चलो भाई आप बैठ जाओ, आपकी तस्वीरें खींचने में आप भी साथ बैठ जाओ। आप भी आ जाए ना, साथ आ जाए हमारे लिए भी। तो मैं तो किसी के साथ सेल्फी लेता नहीं हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ आपके साथ, बड़े उलमा के साथ। उर्दू आती है उनको, उर्दू समझ समझ में आती है। कहाँ सीखी उन्होंने? बस पाकिस्तान में थोड़ा रही है। चलो भाई चलो भाई सर जी, सर लगे आपको भाई ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दोबारा बताएं। अच्छा अभी जो मुझे बताया वो बताएं, बताओ बस आप बता दें इनको उर्दू सही नहीं आती, बता दें। वालदैन जो है ना इनके बच्चों के दादा दादी नाना नानी बहुत खुश होते हैं, देखो तो हम तभी तो कहते हैं ना बच्चों की टाइम पे शादियां करो ताकि पोते नवासे मिले आपको, खुश हो, तन्हाई खत्म होगी आपकी। तो बता रहे थे कि जी हमारी वालदा जब घर आती हैं तो बहुत खुश होती हैं अपने नवासों को देख के। ये बच्ची को देखो, इसका मूड मुझे ऑफ लग रहा है। सही हो गया, सही हो गया, फिर सही है, टक टक चलो सही है माशाल्लाह। ये जो मौली साहब है ना, ये छोटा, ये मुझे बहुत टाइट आदमी लग रहा है। इसका क्या नाम है? अब्दुल रहीम। न्यू फ्रेंड बने, ये जापान के मुफ्ती आजम बनेंगे बड़े होकर, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मेड इन जापान। ये अब्दुल करीम है, ये छोटा अब्दुल करीम है, मेड इन जापान मुफ्ती। जो के डकारो से होशिया मिलते जुलते नामों से, यार ये नाम से धोखा लगा, खालिस जापान की प्रोडक्ट। छोटी बच्ची है ना छिटा की, ये मुझे बड़ी पसंद आई। ये छोटी बच्ची, ये हमारी टिल्लो मटिल्लो की तरह है। स्कूल जाती है जी? अभी तो स्कूल नहीं जाती होगी ना, बड़े जाते हैं। जिंदाबाद, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे लाइलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु, वेरी गुड। ये मौली साहब, ये सब बहन भाई और कजने हैं आपस में। मुझे ये कोई संजीदा मुफ्ती साहब लग रहे हैं। ये जो अब्दुल रहीम है ना, उर्दू नहीं बोल सकती है, उर्दू में नाते याद कर लिए इन लोगों ने, इनके टीचरों ने याद कराई है इनको। वो इनको लतीफा सुना देना, अब वो जरा सुनाओ लतीफा जल्दी से, चर्सी को तबलीग वाले ले। मुफ्ती साहब बार बार कह रहे हैं ये आए में 10 घंटे का सफर करके ऑस्ट्रेलिया से ना, और चर्सी वाला वाकया हो गया कि भाई तबलीग में गए, इसने चर्च छोड़ी है भाई, इसने चर्च छोड़ी है। अमीर साहब आरे को कह रहे, वो ऐसे था कि चर्सी को तबलीग वाले ले गए ना, ऐसे मजाइया लतीफा है ये, तो चर्सी को ले गए तबलीग वाले, तो हर जगह उसका तारुफ करवाते हैं। ये पहले चर्स पीता था, माशाल्लाह इसने चर्स छोड़ दिए, माशाल्लाह इसने चर्स छोड़ दिया हर जगह। वो क्या हुआ फिर गुस्से में आया वो उससे, क्या मुफ्ती साहब पूरे मुफ्ती साहब का नाम नहीं लिया कि पूरे पाकिस्तान को पता नहीं था, बता दो सब जब चर्स कहते पी के इतने बदनाम थी, वो छोड़ के जितने बदनाम। हां सही हो गया, उसने कहा भाई हम पी के इतने बदनाम। आपका क्या, आपका क्या ख्याल है, थोड़ी सी हलाल होनी चाहिए। नहीं नहीं नाजायज है, हराम। ये उस तरह पूछ रहे, जापान में नहीं मिलता, नहीं मिलता, कोई ली नहीं, नहीं मिलती, नहीं पता।
अच्छा ये अफसोस यहाँ नशा होता है, लोग नशा करते हैं यहाँ पर, शराब के अलावा नशा है यहाँ पे? जी जी है, जी जी है। किस किस टाइप का है, क्या है? इनको नहीं पता, बस जो बड़े बड़े जितने भी हैं कोकेन वगैरह लेते हैं, लेकिन वो सब मिलती होती हैं, मिलती हैं, इलीगल होंगी ना, वो सख्त सजा है, है? वो सख्त सजा, बहुत सख्त सजा है, होनी भी चाहिए। भाई आप लोग जापानी खाने की वीडियो देख लें, जरा ये समझाएं ये है क्या, हमने तो पहली दफा देखा है भाई, है जी। अरे बच्चे ये क्या चीज है, ये तो कबाब है, ये बीफ के कबाब है, ये जो है ना पक्का ही है, शामी कबाब है, ये शामी कबाब है, ये क्या है? इसमें जो है बीन्स हैं और कुछ जो है ना गाजर है, गाजर है, और ये लोबिया, लोबिया लोबिया टाइप है, लो भैया जिसे कहते हैं, ये क्या है? ये अचार नहीं बोला था ना? नहीं ये 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 इसके अंदर चाइनीज टाइप है, तो ये आटे की होती है, उसके अंदर ये घुमा के ना, इसके अंदर गोश्त है, गोश्त है, हाँ जी। और ये सब्जी यहाँ की कोई पालक है, पालक है, ये जो पालक होता है, ये मतलब कोई साग है, कोई पत्ते हैं, बस पालक है, पालक को जो है ना थोड़ा सा वो सलाद टाइप। और ये क्या है? ये तो आम खाना है, सालन बना, ये तो अंडा है, अंडा, हाँ जी। और ये ये क्या चीज है? अचार, अचार जैसे वो एक, ये जापानियों का अचार है जी, यहाँ पर ये मूली है ना, मूली मूली का अचार है, लगा लूं ऊपर, ये कोई सूप वूप है, ये सूप है, हाँ जी। ये किस चीज का सूप है? इसमें डिफरेंट चीज, इसमें गाजर है और दाइकोन मूली है, अच्छा जी, आप चेक कराएंगे आपको। अच्छा ये तो पाकिस्तानी कबाब है, ये जापानी कबाब है, बस जापानी भी कबाब खाते हैं, हाँ जी, ये मिक्स कर। अच्छा हिरन के कबाब कहाँ से आ गए? अच्छा ये हिरन के कबाब है, और ये शिकार किया हुआ, खुद का शिकार किया हुआ हिरन के कबाब, सुभान अल्लाह, हैं तो हलाल ही होंगे, ज़बह हुआ हुआ, बिल्कुल सही है, ऐसा ना हो कि जापानियों ने उसको काट, हलाल है भाई, ज़बह किया हुआ है, माशाल्लाह जी। ये क्या चीज़ है जी? ये भी थोड़ा सा जो है ना, ये ओवन बीफ है, गोश्त है ना, थोड़ा सा हमने अब उसको गर्म कर लेंगे ना, तो ये क्या इलेक्ट्रिक ओवन है कोई? हां जी जी, अभी हम गर्म करेंगे, कमाल है। अच्छा ये गोश्त अभी बनाएंगे? जी जी जी, तो हमने बोला गर्म गर्म खाएंगे आपको ना, ये गुड़िया बड़ी प्यारी है यार। अच्छा अच्छा ये हमारे सामने बनेंगे, तो ये तरीका है यहाँ का कि मेहमानों के साथ ही बनाया जाता है उसको, उसके सामने गर्म गर्म ताके खाएं। ये किस चीज का गोश्त है? बीफ है, जैपनीज बीफ है, जैपनीज बीफ, यहीं की गाय, यहाँ का जापान का उसूल जो है ना, मैंने किताबों में जो बचपन में पढ़ा था कि जो साथ बैठा हुआ होता है वो खाता ही नहीं है, नहीं वो पहले खाएगा। ये बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के मौलाना साहब, वो भी बांग्लादेश, आप भी बांग्लादेश के, बड़ी खिदमत वाले हैं भाई ये, बहुत खिदमत वाले हैं। एक मिनट में पहले वो बनने का अमल देखूं, अच्छा क्या है, मैं वो बनने का अमल तो देखूं ना, मैं गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, ये गरम हो रहा है, इसको मक्खन में तलेंगे, ये मक्खन ओरिजिनल है या वो है? बटर है, बटर है ना, सच्ची मच्छी का, ये राइस कुकर, बाप रे बाप, तो ये मशीन में चावल डाल देते हैं, खुद ही पका के निकाल देती है, हैं? तो पानी वानी डालना पड़ता है इसमें? पानी डालने है, दूध डालने, अच्छा, तो ये खुद ही राइस पका देती है, कितनी देर में? 40 मिनट 50 मिनट, इलेक्ट्रिक मशीन है, 40 50 मिनट, तो आपके बांग्लादेश में भी होती है ये? दूसरे किस्म के होते हैं, अच्छा सही हो गया, लगाओ भाई ये, जल्दी से गोश्त बनाओ, गोश्त भाई सूप में खाने के बाद पीऊंगा, हाजमा करता है हाजमा। कौन सी सब्जी है? क्योंकि मैंने जहाज में आज यही खाया था, क्योंकि हलाल था नहीं, मैंने कहा यही दो, अच्छा निकालेंगे तो मेरा खा लेंगे, जहाज एक दफन पानी नहीं डाल, मिसी मिसी हो, मिसी मिसी नहीं, ये नहीं, ये ना साइड से डाल, और ये
पानी भी डालेंगे, पानी डालेंगे ताकि वो स्टीम में पके, धुआं धुआं जो है ना वो ज्यादा ना निकले। पानी ये मशीन मार्केट में अवेलेबल है? ये बिजली से चलती है? वो तो पाकिस्तान में भी मिल जाती होगी मेरा ख्याल है। तो ये मक्खन तो सारा नीचे नहीं गिर जाएगा? अच्छा थोड़ा सा इसको वैसे ही, ये नॉन स्टिक है? नॉन स्टिक जो होते हैं बर्तन, वाह खास इसके रेस्टोरेंट भी होते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग जा नहीं सकते ना, वहाँ हलाल नहीं होता होगा ना। वाह यार ये किस कसाई ने बनाया है ऐसे? नहीं इसको काटा कैसे है? देखो यार इन्होंने माशाल्लाह बंगाली दोस्त जो है ना, बंगाली हम गप लगाते थे ना, खबर हो जाए नहीं नाराज नहीं होते, मोहब्बत 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 कर रहे हैं आपसे। ये देखो मुस्तकबिल के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मेड इन जापान मुफ्ती। मुफ्ती साहब खुश रहेंगे या तो इनको इलेक्शन में खड़ा करें या इनको मुफ्ती बनाएं। मुझे बताओ कि तिनको से कैसे खाया जाता है? खाते हैं आप लोग भी? खाते हो तिनको से? नहीं जो जो चाइनीज खा रहे होते हैं दो तिनको से यूं पकड़ के वो खा सकते हैं आप लोग? दो तीन यही है तो आप लोग इससे खा लेते हो? हम से खाते हैं, इसी से खाते हो? इसी खाते हैं। कमाल है, हमें तो पूरा बेलचे जितना चम्मच चाहिए भाई, तभी निवाला बनता है। हाँ बताएं जरा स्टाइल। नहीं ये तो आसान है, ये जो पूरे चावल भी इसी से खा रहे होते हैं ना, तो चावल इससे कैसे खाओगे यार? आप पकड़ के ट्राई करें, ये मुझे ये मुर्गियों के अंदर ये ऐसे ये है, हम पकड़ लेते हैं ऐसे। हाँ तो आपको मुश्किल नहीं है? नहीं तो ये तो इतनी देर में अब एक एक लोबिया पकड़ के जब खाएंगे तो ये तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? बस इसी तरह खाते हैं एक एक का दाना? इससे स्पीड तो इससे ज्यादा तो हमारी मुर्गियों की स्पीड है। भाई हमें बेलचे जितना चम्मच चाहिए। चम्मच लिए कोई मसला नहीं है, बजट तक का टायर है हमारे पास, बजट तक का खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बच्ची बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, इधर देखो टाटा करो टाटा टाटा बहुत अच्छा करती है। अबे कोची रे कोची टाटा चौथी बेटी गुड़ी है गुड़ी, आपकी बेटी है चौथी बेटी, चौथा नंबर। इससे पहले तीन बेटे? दो बेटी एक बेटे हैं। सही माशाल्लाह। चलो भाई माल तैयार हो रहा है माल, भाई आप लोग तो खाना शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। मैं ये मंजर देख रहा हूँ असल में, पहले इसको खाऊंगा भी ना, तो ये जल्दी गल जाएगा, इतनी आराम से गल जाएगा ये बड़ा गोश्त। वाह ये नरम जगह इस्तेमाल करते हैं। ये काली मिर्च है जी? हमारा अभी दो घंटे का बयान हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग बोलेंगे मौली साहब वहाँ जाके खाली फोड़ने फाड़ने पे लगे हुए हैं, बल्कि ढाई घंटे का था, पहले बयान था फिर सवाल जवाब का सेशन था, और आए 10 मिनट के लिए, आए 10 मिनट के लिए, माशाल्लाह ढाई तीन घंटे, ढाई पौने तीन घंटे का बयान हुआ है। बोल बोल के जो है ना, क्राउड भी सुनने वाला था ना, सुनने वाले लोग थे, शौक से सुन रहे थे, बहुत क्राउड सुनने वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फायदा लिया। चले काइंडली भी जल्दी जल्दी सोने दिए, सुबह निकलता चले। चले भाई हम लोग यहाँ टोक्यो से सफर करके आए हैं, कितने दूर है ये? तो 100 तकरीबन ढाई तीन घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में इस शहर में, सिर्फ इनकी दावत पर 30 किलोमीटर बस। ये क्या है? देखिए मेहमानों के सामने ही पक रहा है, पकता है ये,
ताकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मिले मेहमानों को। वैसे तो हमने होटलों में देखा है चूल्हे पे चीज तैयार होके आ रही होती, लेकिन इनके घरों में भी ये रिवाज है। ये तैयार हो गया, इसको वहां जाके काट रहे हैं। ये ऐसे काटो, इसको आलू भी डाल दिया उन्होंने। और ये क्या गाजर है? गाजर आलू, हाँ जी। इस तरह से सादा खाने बनते हैं। देखो भाई ये चटनी कैसी है, सिरका बड़ा मजे का है भाई। ये दे यार, बस भाई मैं खा रहा हूँ। ये चटनी है, ये है जापानी, यहाँ का रिवायती खाना। चर्बी का मैं आशिक हूँ, इसलिए चर्बी मैं नहीं छोड़ता। वाह बहुत टेस्टी। हटो बच्चों, हलवे नहीं खाते। नहीं नहीं, हलवे खाता ही नहीं। बहुत मजे का यार, ट्राई मारो। सलीम भाई ट्राई मारो, एक चटनी में लगाओ। चटनी में ये चटनी ये है भाई, आपको चटनी नजर नहीं आ रही यार। कैसा मस्त कहते ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ना उसमें मसाला है ना उसमें सादा, बिल्कुल बगैर मसालों के इतना टेस्टी मस्त चीज है। ये चटनी किस चीज की है? चलो भाई, जापान का मकामी खाना भी हमने खा लिया। अच्छा आप लोग जब आए थे सोहराब गोट में, आपकी दावत की थी ना? जी जी, इनकी मैंने दावत की थी सोहराब गोट में अलासिफ। वो खाना कैसा लगा था आप लोगों को? है जी, आपने भी खाया था ना? वो कैसा लगा था? टाइट, हमारे खाने भी बहुत टाइट होते हैं। दो हजार 2018 में थे ना, बहुत अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी की बात है। माशाल्लाह दस्तर खान पे सब बच्चों को बिठाया। देखे आप लोग बिठाते हैं, मामूल है आप लोगों का, अच्छी बात है। कुक अपने साथ फिर रहा, मुफ्ती आजम जापान, मुफ्ती अब्दुल रहीम, ये बच्चा जो है मेड इन जापान, मुफ्ती आजम। मुफ्ती साहब कुक जापानी जबान में देगा है, और मछलियां भी बहुत थी लेकिन चुप रहा। कौन ये क्या कुक भी था, मछलियां भी थी वहां पे, मछली पका देता एक्वेरियम। नहीं नहीं कुक नहीं, मैं तो हैरान ये दो डंडियों से कैसे खा रहे हैं। उसको भी ले आते ना, क्या नाम है यार उमेर भाई को, ये ग्रीन टी है। उमेर ही चीबन, उमेर नहीं आया, दीदार भाई नहीं आए, बस हमने थोड़ा सा चल दिया। आप ठीक ही है? अच्छा ठीक है। क्या कहा आपने? ओशी कहते हैं, मजेदार है, मजेदार है। ओशी 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 ओशी, वेरी गुड ओशी। वो नाम को क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? नमाई नानी। हाँ इस बच्ची से, आपका नाम अब्दुल्ला और वो बच्ची नमाई नानी, ये हैं जैपनीज बच्चे प्यारे प्यारे। बगैर मसाले के सादा ये माशाल्लाह।
نظر بس سے بچائے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عیل لامہ, یہ نظر سے بچنے کی دعا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پر نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو بچوں کے لیے یہ نظر سے بچنے کی بہترین دعا, یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگتی. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عیل لامہ. چلو بھائی چلے بھائی نکلتے ہیں, اللہ آپ کو صبح کہاں جانا ہے؟ ہم نے نگاتا کتنی دور ہے؟ نگاتا یہاں سے ٹرین میں جانا ہے 300 کلومیٹر ہے, 300 کلومیٹر دور ہے. واپس بھی آنا ہے اور ایک جو ہے ہیروشیما ناگاساکی کب جائیں گے؟ وہ اتوار کی صبح جائیں گے. بھائی میں تو آپ کو سمجھ رہا تھا بنگلہ دیش کے, آپ 96 میں بنگلہ دیش سے ہو کر آئے ہیں. نہیں میں آپ ہو کر آئے ہیں جی, میں 96. اچھا یہ آپ کے بھائی ہیں, 2006 میں گیا تھا نا. تو آپ کو اگر کوئی بنگلہ دیش کا بولتا ہے تو خوش ہوتے ہیں آپ کو بھی؟ الحمدللہ, کیونکہ بنگلہ دیش والے ساتھیوں ماں کے لوگوں کی عمومی اور اکثریت جو ہے نا وہ اتنی صفات والی ہے کہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوا کہ ہم یعنی کسی. آپ کو اگر کوئی بنگلہ دیش کا بولتا ہے, بنگلہ دیش پہلے کہتا تھا تو غصہ آتا تھا, لیکن اب جو ہے نا جب سے ایک دو پانچ پڑتا ہو کر آئے. یہ بنگلہ دیش کے ہیں نہیں, لیکن یہ جب بنگلہ دیش ہو کر آئے انہوں نے وہاں لوگوں کی محبت اور اکرام دیکھا اور اخلاق دیکھے, تو اب ان کو کوئی بنگلہ دیش کی طرف نسبت کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یہ بھی دیکھیں مفتی صاحب ہے بنگلہ دیش کے, اتنا اکرام کیا انہوں نے ہمارا, زبردست قسم کے بنگلہ دیش کے ساتھی بڑا عزت بہت کر دیتے ہیں. مذہب کا بہت رجحان ہے اصل میں, تبلیغ میں بہت ہیں بنگلہ دیش کے لوگ. اور اٹلی تو اٹلنگا دیش بننے والا ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. عام آدمی بھی جو نا جو بہت دیندار نہیں بھی ہے پریکٹیکلی, وہ بھی دیندار لوگوں سے محبت کرتا ہے. جی یہ تو حضور بولیں گے, حضور جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.